सात कलम लोग बात करें तो ओम नियम ना, तो ओम सलाम। तो आज हम लोग ओम का नियम क्या वो डाल रहे हैं, ओम का नियम। तो कल हमने समझ लिया था, तो आज हम सीधा लिखेंगे। धारा नियंत्रक कहते हैं, ये आपका वोल्ट मीटर, ये एमीटर, बैटरी है, क्या है की कुंजी जैसे की। जी कोई हमारा चालक कंडक्टर लगा हुआ है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ किसी भी चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती, किसी चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर, मान लो कि बी है, लिखना है बी, यहाँ बी लिख लो, वो विभवांतर बी है चालक के सिरों के बीच लगाया गया। विभवांतर बी लगाने से जो हमारी धारा बह रही है वो आई है, अरेस्टेड का काम है जिसको हम धारा नियंत्रक कह रहे हैं इस विभव को बदलना। जैसे जैसे हम विभव को बदलेंगे वैसे हमारी धारा का मान बदलेगा, और ओम्स ने ये बताया हमको कि जितना आप विभव बढ़ाओगे धारा हमारी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। उन्होंने क्या कहा कि इसी ताप पर किसी चालक के सिरों पे भी लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समान था, मतलब सीधा इतना है कि जितना आप विभवांतर लगाओगे उतनी धारा बढ़ेगी। अगर हम धारा और
विभांतर के बीच में ग्राफ को ड्रा करो, ग्राफ बनाओ, तो वो एक सीधी रेखा मिलती है। क्या मिलती है? सीधी रेखा, जिससे तो पता ही चलता है कि धारा बढ़ाने पर हमारा विभांतर बढ़ रहा है, एक समान रूप से बढ़ रहा है। तो ओम के नियम का सत्यापन मान लो बेटा, हमने अपने इस यंत्र के लिए एक टेबल बनाई और उस टेबल में हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा वोल्टेज है और ये हमारी करंट है एम्पियर में और ये वोल्ट में ही है। हमने जब विभव लगाया 2 वोल्ट तो मान लो कि धारा हमको मिल गई 1 एम्पियर, फिर विभव ने किया 4 वोल्ट तो धारा मिल गई मान लो 2 एम्पियर, फिर विभव किया हमने 6 वोल्ट धारा मिल गई हमको 3, विभव किया हमने 8 वोल्ट धारा मिल गई 4, 5 वोल्ट किया मिल गई 10, 6 किया तो मिल गई 12। अब इसके लिए ग्राफ बना, क्या बना रहे हैं? ग्राफ, ग्राफ बनाना जानते हो? ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या करते हैं? अपने विभव को दिखाते हैं। किसे? विभव को बताएगा। और जो वाई एक्सिस है वो किसे बताएगी? करंट, धारा। कैपिटल आई हमने वहां लिख दी है तो यहां पर भी कैपिटल आई लिख दे रहे हैं। अब देखो, अब हमें इसको बहुत सारे मेरे पार्ट होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 इक्वल पार्ट बनाएंगे, ठीक है? ग्राफ में तो इक्वल होंगे होंगे, लेकिन यहाँ हम अपने हाथ से बना रहे हैं तो हमें इक्वल करने हैं। वोल्टेज आपका है उतने ही, यहाँ पर रहेंगे फिर डिस्टेंस, हमारी जगह कम थी तो हमने थोड़ा छोटा बना लिया। देखो बेटा, इधर हमने वोल्टेज दिखाया तो पहले हमने यहाँ पे 0, 2, 2 का डिफरेंस लिया, यहाँ पे 2, इधर देख लो बेटा, 2, 2 का डिफरेंस, 0 से 2, फिर 2 से डायरेक्ट 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। हम अपना एक पॉइंट छोड़े दे रहे हैं, ठीक है बेटा, थोड़ी जगह कम है सर, 5 तो नीचे लिखना चाहिए, वोल्टेज लिखे ना बेटा हमने 5 वोल्टेज, वोल्टेज हमने कैसे बढ़ाया था, यहाँ पे 10 होना चाहिए, हाँ वेरी गुड, और यहाँ क्या होना चाहिए, 5, ठीक। अब करंट हमारी कैसे बढ़ रही है, 1, 2, 2 करके, तो हम इसको ऐसे ले रहे हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। आप देख रहे हैं बेटा कि जब वोल्टेज हमारा 2 है तो करंट कितनी है, 1, वोल्टेज 2 है तो करंट 1, ये पॉइंट यहाँ मिलेगा क्यों बेटा, जब वोल्टेज 2 है तो करंट कितनी है, 1, 1 पर आ गए 2 के सीध में। उसके बाद हमारा वोल्टेज जब 4 हुआ तो करंट कितनी होगी, 2 एम्पियर, वोल्टेज 4 हुआ तो करंट कितनी, 2, यही होगा। उसके बाद जब वोल्टेज हमारा 6 हुआ तो करंट कितनी है, 3, सिक्स के लिए 3, यही होगा। उसके बाद बेटा हमारा 8 के लिए कितना है, 4, इतने को अगर हम मिला दें, चलो एक और बचा है, वोल्टेज जब 10 है तो करंट कितनी, 5,
इनको जब आप मिलाओगे और बिल्कुल सीधी लाइन आ रही है तो समझ जाओ कि ओम के नियम का पालन हो रहा है। ठीक है, तो समझ जाओ कि यहाँ पर ओम के नियम का पालन हो रहा है। अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा बन जाए, ठीक है, तो ऐसे ओम के नियम का सत्यापन हम अपनी हायर क्लासों में या इसी क्लास में जो हमारे लेव होगी, हमारा प्रैक्टिकल हो गए, तो वहां पर ऐसे ओम के नियम का सत्यापन करके दिखा। वहां पे आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट रहेगा, डिवाइस रहेगा, उसमें वोल्टेज कम ज्यादा करने के लिए वहां पे हमारा लगा रहेगा क्या रोस्टिक लगा, बस सीधा आपको बटन जैसा होगा उसे घुमाना पड़ेगा, बस वोल्टेज कम ज्यादा हो जाएगा। जब 2 वोल्ट हो तब देख लो करंट कितनी है, नोट कर लो। फिर जब आपने 2 वोल्ट किया अब नाप लो करंट कितनी है, नोट कर लो। 6 वोल्ट किया अब नाप लो करंट कितनी, करंट कौन बताएगा जी, 1 एम्पीयर 2 एम्पीयर वोल्टेज कौन बताएगा जी, ऐसे रीडिंग नोट करके जी हमारी रीडिंग है। ठीक है, ग्राफ बना के दिखा देंगे, ग्राफ का सीधी रेखा आ गई तो आपके ओम के नियम सत्यापन हो गया। ठीक है, तो लिखिएगा ओम के नियम के अनुसार या ओम के अनुसार, ओम के अनुसार इसी ताप पर स्थित ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच, किसी चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर, लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यदि समानुपाती होता है, यदि चालक के सिरों के बीच बी विभव की एक बैटरी लगाई गई हो, और किसी समय पर इसमें बहने वाली धारा आई हो, हमने कैपिटल आई लिखी तो कैपिटल आई लिखी, इसमें बहने वाली धारा कैपिटल आई हो, तो क्या हो जाएगा फिर, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जो हम साइन को डालेंगे तो यहां पे कांस्टेंट आर, फिर आर इक्वल टू कांस्टेंट, आर इक्वल टू बेटा पहले हमने बताया कि आर क्या है, नितांक कांस्टेंट। ठीक है बेटा, इसको तो आप यही कर दो और लिख दो, आर को चालक का प्रतिरोध या ओम का नीतांक भी कहते हैं, ओम नीतांक भी, ओम नीतांक भी कहते हैं। ओम नीतांक भी कहते हैं। हाँ, जैसे एक कह दें, अब यहां से आर कितना,
इसकी मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका यूनिट, क्या हो जाएगा बेटा, वोल्ट पर एम्पियर। और इसी चीज को कहते हैं ओम, क्या कहेंगे ओम, यानी कि प्रतिरोध, इस प्रतिरोध का मात्रक, इस आर का मात्रक क्या होगा, वोल्ट पर एम्पियर या फिर ओम। सिंबल कैसा बनता है ओम का, निशान कैसा बनाते हैं हम, ऐसे करके बेटा पढ़ चुके हो गए आप लोग ये, ऐसे जहां पर निशान बना है समझ जाए क्या है ओम, तो किसका मात्रक है ध्यान रखना बेटा, आपका प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम, ओम के नियम के अनुसार आया हुआ है तो उसकी हम यूनिट को ओम कहने लगे। बात समझ में आ रही है, इतना नीचे लिख दो, पहले इतना लिखिएगा, विभवांतर और धारा के बीच खींचा गया ग्राफ, विभवांतर और धारा के बीच खींचा गया ग्राफ एक सीधी रेखा होती है, एक सीधी रेखा होती है। बेटा अब कुछ हमारे परिपथ होंगे उनके लिए कंडीशन लागू हो जाए, आपको सीधी रेखा मिल जाएगी, तो ऐसे परिपथों को हम क्या कहेंगे कि वो उनके नियम का पालन कर रहे हैं, तो उनको हम ओमी परिपथ कहेंगे, क्या कहेंगे ओमी परिपथ। कुछ परिपथ ऐसे भी होंगे उनके नियम का पालन नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हमने कहा था कि ताप स्थिर रखिएगा, ताप स्थिर, लेकिन बेटा होता है कि आगे जब हमारा कोई सर्किट होता है कोई भी कहीं भी जब धारा प्रवाहित होती है तो ताप हमारा धीरे धीरे क्या होता है बढ़ता रहता है, जो हमारे रेगुलेटर है वो गर्म होते रहते हैं तो ताप स्थिर रहता है नहीं रह पाता, इसलिए हमारे सबके लिए ओम का नियम का पालन नहीं हो पाता है, या तो थोड़े समय के लिए हो पाएगा। तो ऐसे परिपथ जिनके लिए ओम के नियम का पालन होता है वो परिपथ हमारा ओमी परिपथ कहता है, अब दूसरे वो परिपथ जिनके लिए ओम का नियम का पालन पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, मेरी बात सुनो, मैंने क्या होगा कि ऐसे परिपथ जिनके लिए ओम के नियम का पालन पूर्णतया नहीं हो पाता है उनके लिए वोल्टेज और करंट के बीच खींचा गया ग्राफ एक सीधी रेखा नहीं होती, वो हमारी वक्र हो सकती है, थोड़ी तिरछी हो सकती है, तो वो परिपथ कहलाएंगे अनुओमीय परिपथ, अनुओमीय परिपथ। तो जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग देखेंगे अनुओमीय परिपथ, ठीक है बेटा। तो ये जो आप डाटा देख रहे हैं थोड़ा दिखाओ, ये वाला और ग्राफ और हमारा ओम का नियम जो है, ठीक है, तो ये तो हमारा कंप्लीट है।